अभी जो सेवियर जो है ऑक्सीजन ही है। अब अगर ऑक्सीजन की कमी हो गया तो डेथ रेट और भी बढ़ जाएगी। ये अभी तक प्रॉब्लम है, आज भी सॉल्व नहीं हुआ है। हम तो क्या कर रहे हैं, इधर उधर पांव पड़ के सबको ऑक्सीजन इधर उधर अरेंज करके लकीली हम मैनेज कर रहे हैं। इतना देर हो सकता है वो काम करते रहेंगे, जिस दिन हमसे नहीं हो पाएंगे हम भी हाथ उठा के कह देंगे सॉरी भैया हम नहीं कर सकते। 50 टू 60 सिलेंडर्स आ रहे थे पिछले टू डेज से, हमारे पास ऑक्सीजन ही नहीं है। तो ऑक्सीजन नहीं रहने की वजह से बहुत सारे लोग आके इधर कॉल कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं और मारपीट भी हो गई। अभी हमारे साथ है एचएम प्रसन्ना सर, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। सर, हम देख सक रहे हैं कि करीबन जब से सेकेंड वेव चालू हुआ है और ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की बहुत कमी हो रही है। एंड कर्नाटका गवर्नमेंट से वॉर रूम सेटअप किया गया ऑक्सीजन सप्लाई हेल्प करने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, कितना हेल्प आपको मिला है सर? देखिए, ये जो ऑक्सीजन की कमी है पिछले फ्राइडे से शुरू हुआ, थर्सडे नाइट से ही शुरू हो गया। बहुत सारे अस्पताल को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हुआ, लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई भी नहीं हुआ और सिलेंडर्स का भी सप्लाई नहीं था। फिर मैंने शनिवार को हमारा आरोग्य मंत्री को एक चिट्ठी लिखा इसके बारे में और तुरंत उसके बारे में कार्रवाई करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया जी। उसके साथ उन्होंने भी रेस्पॉन्ड तो किया, उन्होंने एक वार रूम भी सेटअप किया ड्रग कंट्रोलर के नेतृत्व में और जोन वाइज ADC असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर्स को इस काम पे लगाए। मगर वो लोग भी जितना भी कोशिश करे ऑक्सीजन सप्लाई अभी तक नॉर्मल नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन सप्लायर्स जो है बेंगलोर में वो कह रहे हैं उनको लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई नहीं आ रहा है जहाँ मैन्युफैक्चरर से आना चाहिए, उसके कमी से वो हमारा जो कमिटमेंट है वो पूरा कर नहीं कर पा रहे। एक वो है, साथ में जो ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट थी वो 3 गुना बढ़ गया है। बिकॉज सारे अस्पताल में 90% से ज़्यादा लोग कोविड के मरीज एडमिट हुए हैं। जो मरीज एडमिट हुए हैं सारे सिम्टोमेटिक है, मॉडरेट टू सीवियर सिम्टम्स है और 90% ऑफ इनमें जो है निमोनिया है। सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत है जी। अभी जो सेवियर जो है ऑक्सीजन ही है। अब अगर ऑक्सीजन की कमी हो गया तो डेथ रेट और भी बढ़ जाएगा। ये अभी तक प्रॉब्लम है, आज भी सॉल्व नहीं हुआ है। तो आपके हिसाब से क्या आपको अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस दिख रहा है सर इसके लिए? देखिए, अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस क्या है, सारे अस्पताल इधर उधर घूम रहा है। हमारे बगल में जो तमिलनाडु है वहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरर्स है, इंडस्ट्रियल एरिया है, उनको हम कांटेक्ट कर रहे हैं। उनको 3 गुना 4 गुना ज़्यादा दाम देके हम वहाँ से कुछ सिलेंडर्स मंगवा रहे हैं। जो पॉसिबल है वो हॉस्पिटल्स कर रहे हैं। जो हॉस्पिटल्स के पास पैसा वैसा नहीं है वो तो एडमिशन से ही कम कर रहा है, क्योंकि वो एडमिट करेंगे ऑक्सीजन देना पड़ेगा, रेमडेसिविर के ड्रग का भी शॉर्टेज चल रहा है। अब दोनों दे नहीं पाएंगे तो फिर कोविड पेशेंट्स को कैसे इलाज करेंगे? राइट। तो आपके हॉस्पिटल में क्या कभी ऐसा हुआ कि आपको ऑक्सीजन के कमी की वजह से किसी पेशेंट को ना कहना पड़ा हो बेड के लिए? लकीली मेरे हॉस्पिटल में ये मोहब्बत नहीं आया है, मगर इधर लोकेलिटी में 2-3 हॉस्पिटल वो फेस किया। एक रात में तो एक हॉस्पिटल से 12 पेशेंट्स को हम बाहर शिफ्ट करना पड़ा ऑक्सीजन के कमी से। फिर हम तो क्या कर रहे हैं, इधर उधर पांव पड़ के सबको ऑक्सीजन इधर उधर अरेंज करके लकीली हम मैनेज कर रहे हैं, मगर ये बहुत लंबा चलने वाला ये जो काम है, इसलिए हम जितना देर हो सकता है वो काम करते रहेंगे। जिस दिन हमसे नहीं हो पाएंगे हम भी हाथ उठा के कह देंगे सॉरी भैया हम नहीं कर सकते। तो फैसल, आप मर्सी मिशन के मेंटर हो और करीबन 1.5 साल से आप लोग जो है ऑक्सीजन बैंक रख के लोगों को मदद कर रहे थे। हम देख सकते हैं कि लास्ट फ्राइडे से जो है बहुत तंगी हो गई है ऑक्सीजन को लेके देश में, तो आप लोगों ने कैसे मदद की है और क्या क्या तकलीफें आप लोगों को हुई है? हमारे यहाँ लगभग 1 डे में मर्सी मिशन के कॉल्स आते हैं, 2000 to 2500 कॉल्स हमें अटेंड करते हैं। तो उसमें से कुछ लोगों को चुन के जो ऑक्सीजन लेवल उनका कम है 80-70 उस हिसाब से हमें उनको टोकन देते हैं। तो ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम रखे हुए हैं, तो हमारे जो वॉलेंटियर्स हैं वो ऑनलाइन बुकिंग करते हैं। तो हमारे बेंगलुरु के अंदर 5 सेंटर्स हैं, 5 सेंटर्स में सप्लाई हो रहा है ऑक्सीजन। तो हमारा सप्लाई पर
ब्रांच को 50 to 60 सिलेंडर्स आ रहे थे पिछले 2 डेज से. हमारे पास ऑक्सीजन ही नहीं है. ओके. तो ऑक्सीजन नहीं रहने की वजह से बहुत सारे लोग आके इधर कॉल कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं और मारपीट भी हो गई. ओहो, क्या ऑक्सीजन ना मिलने के कारण फैसल यहाँ पे किसी की मौत हुई हो या किसी की यू नो ऐसा कुछ हुआ हो, सीरियस हो गया पेशेंट बिना ऑक्सीजन के? यस्टरडे कल ही इधर हमारे गेट के बाहर तो एम्बुलेंस में लेके आए थे एक पेशेंट को, तो ऑक्सीजन इमिडिएटली चाहिए था इमरजेंसी के लिए. 2-3 सेंटर को जाके आके लास्ट में ये सेंटर में आए थे आखिर, तो यहीं पर उनकी मौत हो गई. अच्छा. और आप लोग सिर्फ पेशेंट्स को सप्लाई कर रहे थे या हॉस्पिटल्स को भी आप लोग हेल्प कर रहे थे? हॉस्पिटल्स, पेशेंट्स, एवरीवन को हमें सप्लाई कर रहे हैं. ठीक है. तो आपका क्या मैसेज है, 2 दिन से आपको ऑक्सीजन नहीं मिला है, अब अगला ऑक्सीजन का सप्लाई आपको कब मिलेगा? अभी ये पता नहीं कब मिलेगा बोल के, बट मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो गवर्नमेंट से ऑक्सीजन सेंटर ओपन हुआ है, हमें ऑक्सीजन उनके सेंटर से हमारे तक पहुँचाए तो हमें इन लोगों तक पहुँचाने में आसानी होती है. तो यही मैं अपील करता हूँ कि वो ऑक्सीजन सेंटर जो ओपन हुए हैं वो हमारे तक पहुँचा दे. सिलेंडर्स एक एक वार रूम को चाहिए, तो हमारे पास एक 5-6 बूथ्स है, वो बूथ में सप्लाई हो रहा है, 50-50 सप्लाई हो रहा है, 50 सिलेंडर्स, तो उन तक पहुँचा दे तो हमें आम जनता को पहुँचाने में आसानी होती है.